हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का रजा किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुस्त होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं क्लब सैंडविच। तो देखिएगा क्लब सैंडविच कैसे बनाते हैं। हमने बनाया यहाँ पे 4 लेयर का, और क्लब सैंडविच होते हैं 3 लेयर का मैक्सिमम, हर जगह में 3 लेयर होता है। तो हमने बनाया 4 लेयर यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ले लिया यहाँ पर एक अंडे, अंडे को हम यहाँ पे तोड़ के निकाल लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे थोड़ा नमक, अंडे में थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालना पड़ेगा हमको यहाँ पे। और डाल के ही हम अंडे को मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। देखिए ऐसे ही हमको मिक्स कर लेना है ताकि अंडे और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो है कढ़ाई बहुत गर्म हो गया था, हमने उसी के अंदर ऊपर ही डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारा अंडा फ्राई होने लगा है। आप लोगों को भी अमेजिंग लगेगा क्योंकि हम हाथ में पकड़े हैं कढ़ाई और यहाँ पे अंडा फ्राई हो रहा है ऑलरेडी। तो देखिए हमारा अंडा जो है वो फ्राई हो चुका है यहाँ पे। तो हमको ऐसे ही फ्राई करना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको जो है निकाल लेंगे अभी एक प्लेट में। तो इसको निकाल करके हम रखेंगे साइड में। तो यहाँ पर जो है मैंने निकाल लिया है, तो इसको आप रखेंगे साइड में। उसके बाद हम लेंगे वेजिटेबल जो हमारा क्लब सैंडविच में टेस्ट करने वाला है। और उसके देखिए हमने यहाँ पे 5 वेजिटेबल को ऐड किया है, जो कैप्सिकम है, ओनियन है, टमाटर है, कुकुम्बर है और आइसबर्गर है, इसको बोलते हैं लिटोस, और कैबेज हमारा भाषा में। तो यहाँ पे हमने कैप्सिकम को पहले काट लिया है, उसके बाद हम टमाटर को काटेंगे ऐसे ही स्लाइस के टाइप। हमको काटना है टमाटर को ताकि राउंड राउंड पीस हो। तो यहाँ पे हमको वैसे ही प्याज को भी काटना है ताकि राउंड शेप में ही आए। ऊपर का निकाल के हमको अच्छे से प्याज को भी काट लेना है। तो यहाँ पे देखिए राउंड राउंड शेप हो गया है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से हमने काट लिया। उसके हिसाब से हमको कुकुम्बर को भी काटना है ऐसे ही राउंड राउंड। इसको छील लेते हैं हम पहले, फिर उसके बाद जो है इसको हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जितना हमको ज़रूरत था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे छील लिया है। तो अभी हम उसको राउंड के हिसाब से कट कर लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे वेजिटेबल जो है कट हो गया है ऑलरेडी। तो हमने इसको एक बॉल में निकाल के रख दिया है। यहाँ पे हमने लिटूस को लिया है जो आइस बर्गर है, और उसको भी हम यहाँ पे क्लीन कर लेंगे अच्छे से, उसको धो लेंगे ताकि उसके जरासीम निकल जाए, तो इसलिए धो लिया। यहाँ पर हमने चीज स्लाइस लिया था, और यहाँ पे हमने 4 ब्रेड ऐड किया है जो सैंडविच ब्रेड है, उसको हम 4 लिया है यहाँ पे। तो हम पहले साइडों को काट लेंगे, फिर जो है देखिए हमने चारों तरफ से साइड को काट लिया है। उसके बाद जो है उसको लहर में बिछाएंगे। यहाँ पे हम नॉर्मली हमको माइनस लगाना है, खाली सादा माइनस ही लगेगा क्लब सैंडविच में, और दूसरा स्पाइसी वगैरह नहीं लगेगा। क्लब सैंडविच में सादा ही माइनेज चाहिए तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ज़्यादा नहीं चाहिए इसका, बस बराबरी जैसे थोड़ा माइनेज से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले अंडे को लेना है, एक ब्रेड में हम अंडे लेंगे यहाँ पे। तो जितना अंडा हमने फ्राई करके रखा था हमने यहाँ पे एक ब्रेड में डाल दिया है। एक ब्रेड में हम चीज स्लाइस लेंगे जो ऊपर रहेगा लहर का सबसे पहले, तो उसको भी हमने यहाँ पर ले लिया है। अब जो हमको लेना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे वेजिटेबल को ऐड करना है। अब जो पहले हम कुकुम्बर को ऐड करेंगे यहाँ पे, देखिए यह हमारा कुकुम्बर एक में रहेगा, और कुकुम्बर के साथ हमारा बॉयल वाला चिकन रहेगा। तो यह हमने चिकन को बॉयल करके रखा था, तो यहाँ पे हमने चिकन को भी ले लिया है। और चिकन को ऐसे ही स्लाइस में बॉयल करना है, कटना है, तो आप बॉईल करके भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम ओनियन सबसे नीचे लेंगे। तो देखिए ओनियन के बाद हमने टमाटर भी डाल दिया है, उसके बाद हम कैप्सिकम डालेंगे यहाँ पे। कैप्सिकम भी हो गया हमारा यहाँ पे। लिटोस भी डाल देंगे हम, जो हमारा केबेज है उसको भी हम ऊपर डाल दिया है। तो ये हो गया हमारा 4 लेयर का क्लब सैंडविच, और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है सैंडविच। देखिए सबसे नीचे चिकन रहा, उसके ऊपर वेजिटेबल, उसके ऊपर जो है अंडा, और बाद वाला चीज़ वाला लहर हमारा ऊपर टॉप में आए। तो इसको हम ग्रिल करेंगे
मैक्सिमम 3-4 मिनट में ग्रिल हो जाता है, क्योंकि ग्रिलर मशीन अगर गर्म रहे तो 1 मिनट में ही हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा क्लब संदीप बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं ग्रिल को ऑलरेडी गर्म कर लिया था ग्रिल मशीन को, तो अब जो है मैं ग्रिल में उसको डालूँगा। तो देखिए ये जो है हमारा ग्रिल मशीन है, तो यहाँ पे मैंने क्लब सैंडविच को डाल दिया है। तो इसको हमको अच्छे से गर्म करने का, और बहुत जल्दी ये हो जाएगा। उसके ऊपर भी टेक्सचर दिखना चाहिए जो गर्म हुआ है, और उसी की वजह से बहुत अच्छे लगेगा, बहुत खाने में टेस्ट आएगा और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा क्लब सैंडविच का। तो यहाँ पे जो है मैंने अभी ग्रिल में लगा दिया है। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और हम आप लोगों के लिए डेली वीडियो लाते हैं। तो इसीलिए हमको ये बोलना था, क्योंकि अगर हमें वीडियो फिर हमें डेली लाना पड़ता है तो इसलिए बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए हमारा, ताकि हम आप लोगों के लिए डेली वीडियो ला सकें। तो यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस में उसको कट कर लिया था, वो हमारा हो गया था ऑलरेडी वहाँ पे गरम, तो हमने निकाल लिया था। देखिए इसका टेक्सचर जो वेजिटेबल है, अंडा है, सब स्लाइस में दिख रहा है कटने के बाद। और इसके बाद इस टमाटर सॉस में इसको लेयर में देता है, लेकिन हमने एक प्लेट में दिखाया आप लोगों को। तो ये बहुत ज़बरदस्त लगता है टमाटर सॉस के साथ खाने में, और बहुत ज़बरदस्त टेस्टी है ये क्लब सैंडविच। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, शॉप में है नहीं तो घर में भी बना सकते हैं, अगर सामान है तो घर में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फ्रेंच फ्राइज भी ऐड कर दिया है। उसके बाद हमको जो है टमाटर सॉस ऐड करना था, तो हमारा टमाटर सॉस हम बाद में ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा क्लब सैंडविच हो गया है रेडी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा